समाचार कवरेज को गए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार सोनू तिवारी पर हमला किया गया। मामला बेवर का है, जहां मंगलवार सुबह थाना बेवर क्षेत्र के नवीबगंज टोल प्लाजा का शुभारंभ हुआ, जिसका कवरेज करने के लिए सोनू तिवारी पत्रकार पहुंचे थे। इस दौरान सोनू तिवारी पत्रकार पर हमला कर दिया गया। सोनू तिवारी ने मेडिकल कराकर घटना की तहरीर थाने में दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हमला करने वाले 6 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है, जिनके खिलाफ मीडिया कर्मी ने मामला दर्ज करने की तहरीर दी है। मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित पत्रकार सोनू तिवारी पुत्र नरेश चंद्र तिवारी निवासी मोहल्ला कुचलिया ने बताया कि मंगलवार को नवीगंज के पास तराबा देव के निकट बने नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा का शुभारंभ होना था। इसकी सूचना उन्हें दी गई थी, जिसके कवरेज के लिए वो गए थे। टोल प्लाजा के लाइन नंबर 10 पर अपने वाहन से निकल रहे अंकित यादव की टोल प्लाजा गर्मी के साथ बहस हो गई। इस दौरान गाली गलौज चल रही थी, जिसकी वो कवरेज करने लगे। इसी दौरान अंकित यादव ने अभद्र गालियां देते हुए कवरेज करने से रोका और उन्होंने अपना काम करने की बात कही, जिस पर आरोपी ने मारपीट कर दी। किसी तरह भागकर सोनू ने अपनी जान बचाई। इसके दौरान वापस आते समय एक दर्जन से अधिक लोगों ने सोनू पर लाठी डंडे के साथ हमला कर दिया। उनके जेब में पड़े 1300 रुपए भी छीन लिए। सूचना मिलते ही पहुंचे चौकी प्रभारी नवीगंज ने सीसीटीवी फुटेज द्वारा 6 लोगों की पहचान की है। दरअसल जिस व्यक्ति से मारपीट हुई, वो व्यक्ति अंकित यादव पुलिस वाला गुंडा निकला। बताया जाता है कि इटावा के CST में इस वक्त कार्यरत है। इस तरह का कारनामा एक पुलिस वाला कर सकता है, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन इस पुलिस वाले ने ऐसा ही कुछ किया है। आप लोग टोल प्लाजा पर हो रही मारपीट इस वीडियो में देख सकते हैं। किस तरह से सोनू तिवारी पत्रकार ने बताया कि बलस्तर पुत्र रामचंद्र तथा बबलू पुत्र रामचंद्र निवासी मनिकापुर के हाथों में तमंचा था। मौजूद ग्रामीणों से मार डालने की बात कह रहा था। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल करवा कर तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मैनपुरी से अजय सिंह भास्कर की रिपोर्ट। क्या बात हो गई थी, किस तरीके की कैसी घटना है? टोल प्लाजा का उद्घाटन होना था आज कल सुबह 8 बजे, तो मेरे पास मैनपुरी से सूचना आई थी कि उसकी कवरेज करने के लिए वहाँ चले जाना। तो हम वहाँ गए थे, तो वहाँ पे अंकित यादव टोल प्लाजा पे गाली गलौज कर रहा था, तो उनकी हम कवरेज कर रहे थे। तो वहाँ पे अंकित यादव ने ये कहा कैमरा बंद कर दो, एकदम गाली गलौज ने मेरे पास हाथापाई कर दी। जब वहाँ से अपनी जान बचा के भागे वहाँ से, तो वैसे ही मतलब अपने और पत्रकार साथियों बुलाने गए, जब तक वो वहाँ भाग गया। हम टोल प्लाजा पास चले गए, तो हम 2 घंटे बाद हम घर आने के लिए निकले वहाँ से, तो कम से कम 20 आदमी वहाँ से आते दमंग टाइप गए, यादव लोग हैं वो लोग एकदम आके हमें वहाँ घेर लेते हैं और मेरे सिर पे एकदम हेलमेट मार देते, मेरे ऊपर लाठी डंडों से बाहर कर देते हैं। जब सभी लोग पत्रकार और मैनेजर आते हैं, जब वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने थाने में एप्लीकेशन दी थी, तो पुलिस ने एप्लीकेशन मुकदमा धाराएं जो धाराएं लगी उनकी धाराएं लगाई है और पुलिस दबिश दे रही है, उसमें 2 लोग पकड़ के आ गए हैं। कौन कौन पकड़ के आ गया? अब ये नहीं, अज्ञात में 2 लोग आए हैं और ये नहीं पता कौन कौन आया, 2 लोग पकड़ के आ गए। क्या नाम है आपका? सोनू तिवारी। किस चैनल से काम कर रहे थे? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डायग्राम टूडे। ये घटना कहाँ की है? ये तारा एक टोल प्लाजा बना नया नवीगंज के 2 किलोमीटर पहले, वहाँ की है। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा हुआ? उसमें 6 लोग नाम ओपनिंग हैं और 12-13 अज्ञात हैं। क्या कहना चाहेंगे पत्रकारों के लिए? हम यार जो कार्रवाई होगी उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, आगे कभी किसी पत्रकार के साथ ऐसा घटना ना हो।